आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। अयोध्या ने कांड को लेकर बीजेपी और सपा नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। आरोपी सरकार पहले से ही आरोपी के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन ले चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़िता आरोपी डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। दरअसल अयोध्या के रेप कांड के जिक्र करते हुए शिशुपाल यादव ने अपने एक्शन हैंडल पर लिखा है, मैं अयोध्या की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। वह साथ ही श्री पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। शिवपाल यादव के ये बयान केशव मौर्य उस ट्वीट पर आया जहां उन्होंने कहा था कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्म जात फितरत है, अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा का पूरा सपा परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है, सपा होगी सपा। सपा महासचिव ने केशव मौर्य के इसी बयान पलटदान किया था। बता दें कि रेप किए गए घटना की अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र की है, जहां 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की बाद आरोपियों ने उसका असली वीडियो बना लिया और उसको लंबी समय तक ब्लैकमेल करके बार बार रेप करते रहे। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। बता दें कि अयोध्या के पूर्व सपा विधायक अखिलेश सरकार मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश पांडे मांग की थी कि आरोपी मोहित खान के साथ पीड़िता के नार्को टेस्ट करवाया जाए। शिवपाल यादव ने ऐसा बयान दिया था। आपको साथ ही ये भी बता दें कि पीड़िता नाबालिग लड़की की मां ने शुक्रवार को सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम आदित्यनाथ ने सपा नेता मोहित खान अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया था। इसके बाद थाना प्रभारी चौकी प्रभारी पर एक्शन भी हुआ और आरोपी के संपत्ति पर जांच भी लगातार शुरू कर दी गई है। शिवपाल यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है? ये हम कहना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं, इसका डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो, सर्विलांस के जितने एविडेंस है वो इकट्ठा किए जाए, लोकेशन इकट्ठा की जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, कितनी बार दोनों में बात हुई है निकलवाया जाए, और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर अगर मुईद अहमद दोषी पाए जाते हैं तो फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर 70 साल के मुईद खान की कभी कोई बात नहीं हुई है, लोकेशन नहीं मिली है, कभी उस लड़की से मिले नहीं है, ये सारे जांच में वो दोषी पाए निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए, और सोचिए जो सामाजिक क्षति हो रही है उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर दोषी हैं तो फांसी से कम ना हो, अगर निर्दोष हैं तो न्याय मिलने में भी कोई वो नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।